भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ TNCA को IPL का फाइनल मैच चेन्नई में कराने को लेकर जरूरी शर्तें पूरी करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। TNCA स्टेडियम के IJ और के स्टैंड्स के लिए नगर निगम से अब तक अनापति प्रमाण पत्र नहीं ले पाया है। केवल दिसंबर 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच यहां मैच खेला गया था। लोगों का मानना है कि TNCA और सरकार के बीच कई राजनीतिक मतभेद हैं। प्ले ऑफ और एलिमिनेटर मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। बोर्ड के अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर रखने की शर्त पर बताया, हम TNCA से बात करेंगे क्योंकि हम चेन्नई से अपने मैदान पर खेलने का अधिकार नहीं छीनना चाहते। हमने TNCA को इस मसले का हल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। अगर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है तो फाइनल मैच हैदराबाद में शिफ्ट किया जाएगा। एलिमिनेटर मैच बेंगलुरु में खेले जाएंगे। सोमवार को राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति COA और BCCI के तीन पदाधिकारियों के बीच IPL और क्रिकेट से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। वर्ल्ड कप टीम के चयन के लिए आखिरी तारीख 23 अप्रैल है, लेकिन BCCI की राष्ट्रीय चयन समिति उससे 8 दिन पहले ही 15 सदस्यीय दल की घोषणा करेगी। वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 मई से होगी। बैठक में लिए प्रमुख फैसले। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा 15 अप्रैल को होगी। TNCA को एक हफ्ते का समय दिया गया। फाइनल मैच के लिए हैदराबाद बेंगलुरु स्टैंड बाय पर। महिला IPL की तीन टीम विशाखापट्टनम और बेंगलुरु में मैच खेलेगी। प्लेयर एसोसिएशन अगले दो हफ्तों तक बनाई जाएगी। BCCI का पिछले 10 साल के लिए खातों के समाधान के बाद ऑस्ट्रेलिया से 2.9 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य है।